बड़ी सियासी खबर है, आपको बता दें राहुल गांधी मानहानि केस में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा फैसला। फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सरने मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से अंतरिम राहत फिलहाल नहीं मिली है। मानहानि केस में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हाईकोर्ट का अंतरिम राहत देने से इनकार है ये। भूपेंद्र सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, देखिए एक बार फिर उम्मीद थी लेकिन उम्मीदें फिर से नाउम्मीदें में तब्दील हो गई हैं, राहुल को राहत नहीं। बिल्कुल, आज उम्मीद की जा रही थी कि हाईकोर्ट आज फैसला सुना देगी इस मामले में, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें हाईकोर्ट के सामने रखी। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम राहत की भी गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे मान्य नहीं रखा और फैसला सुरक्षित लग गया है। अब ये फैसला एक महीने बाद ही आएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वैकेशन शुरू हो रहे हैं और वैकेशन के बाद ही फैसला जो है सुनाने की बात की गई है। दोनों तरफ से आज दलीलें दी गई। पहले नानावटी, निरुपम नानावटी जो कि पूर्णेश मोदी के वकील हैं, उन्होंने अपनी तरफ से राहुल गांधी के बयान को लेकर और उसके बाद तमाम चीजें अदालत के सामने रखी कि जब अदालत का फैसला आया, पूर्व मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उसे एक उपहार के तौर पर बताया और ये भी कहा कि उनका स्टैंड क्लियर है, वो पीछे नहीं हटेंगे। ये भी कहा गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो जनता के बीच में अलग बात करते हैं और कोर्ट के बीच में अलग बात करते हैं। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी की तरफ से आज वकालत कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी कई दलीलें रखी और कई जजमेंट भी उन्होंने बताया कि किस तरह से ये ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें इस तरह से अधिकतम सजा जो है वो सुनाई जाए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग का भी ये कहा कि अगर चुनाव आयोग कल जो है चुनाव अगर घोषित कर देता है और अदालत इसमें फैसला अगर नहीं सुनाती है तो उनके कैंडिडेट को वापस से वो वक्त नहीं मिलेगा कि वो चुनाव लड़ पाए या इस तरह से उनके पूरे राजनीतिक कैरियर पर ही एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस तरह की कई दलीलें जो है वो कोर्ट ने सुनी और साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से एक दरखास्त पेश की गई कि उन्हें जब तक फैसला नहीं आता है तब तक के लिए अंतरिम राहत दे दी जाए। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, लगभग महीने भर का और इंतजार करना होगा, फिर देखना होगा कि फैसला क्या आता है कोर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए न्यूज।